राघव बेटा कहाँ चले जाते हो? ओ, कुछ काम था। तुम्हारी कॉफी ठंडी हो गई है। कमला कैसी हो तुम? मैं ठीक नहीं हूँ ताई। क्या बात है कमला, तुम इस तरह से क्यों? अपने बेटे से पूछो ताई, मैं बाकी से मिलने जा रही हूँ। बेटा क्या बात है, हुआ क्या है? बाकी कमला माँ कैसी हैं आप, आइए बैठ। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फोन पे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे? ओ मैंने गुस्से में गलत डिसीजन ले लिया था, बैग भी पैक कर लिया था, मगर अब सब ठीक हो गया। राघव ने मुझसे माफी मांगी और आपको पता है उसने मुझे अब अपना दोस्त बना लिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। देख इसीलिए कहती हूँ गुस्से में कभी कोई गलत फैसला मत लेना जिससे तुझे दुख पहुंचे, लेकिन तू है ना समझती नहीं है। बाकी तुझे पता है पति पत्नी का रिश्ता दोस्ती से शुरू होता है और मुझे यकीन है बेटा कि एक दिन तू और राघव जरूर एक होंगे। अब मैं चलती हूं। कमला मां आप इतनी परेशान क्यों हैं? घर पे सब ठीक तो है ना? घर पे सब ठीक है बेटा, बस तू अपना ख्याल रख, कभी गुस्से में कोई गलत फैसला मत लेना, समझी? आप मुझे बहला रही हैं, आपकी बेटी हूं मैं। बताइए ना क्या हुआ? बोलिए माँ, जैसे आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती उसी तरह मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। सब कुछ बिखर रहा है बाकी, ऐसा लगने लगा है जैसे कि कल्पिका रेस्टोरेंट का सपना धुंधला हो रहा है। कुछ नहीं होगा माँ, जब तक आप हैं आपकी दोनों बेटियों के साथ कभी भी गलत नहीं होगा। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ प्लीज मुझे बताइए। अरे कमला तू कब आई? मम्मी जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? आपकी तबीयत कैसी है? बैठो बैठो। अरे बस ठीक है। दो मैं दबा देती। कमला मैंने अपनी इन बूढ़ी आंखों से इस जिंदगी में इतने बदलते रिश्ते देखे, लेकिन जो नहीं बदला वो एक रिश्ता है तुम दोनों का और तुम दोनों का प्यार। कमला पता है तुमने मेरी पाखी के लिए इतना कुछ किया कि वो मैं बयान भी नहीं कर सकती। आए तूने उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और यही नहीं नीतू और साहिल को भी अपने घर में जगा दी। बाबा बहुत बड़ा दिल है तेरा, बहुत बड़ा। भगवान तुझे भाग लगाए। सच तो यह कि जिन बच्चों को मैंने ठुकरा दिया उन्हें तूने अपना लिया। लोग क्या सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है कमला, लेकिन सच ये है कि हमारे बीच का रिश्ता अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा। और बेटा लोगों का क्या है, उनको जो दिखता है वो उसी को सच मान लेती। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी। सुना पाखी
लोग जो देखते हैं उसे ही सच मान लेते हैं। तू मेरे लिए कुछ करना चाहती है ना पाखी? तू राघव को घर लेके आ तेरे साथ डिनर पे। मैं तो आ जाऊंगी माँ, मगर राघव कहना कमला ने बुलाया है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, रात को टाइम पर आ जाना। अच्छा कमला माँ, वो राघव के लिए भिंडी और मेरे लिए पता है। जल्दी आना बेटा। अच्छा मम्मी जी अपना ध्यान रखना। हाँ सदा सुहागा। अच्छा 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 जरूर जाना राघव के पास। ठीक है मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ जा।